प्रधानमंत्री 17 फरवरी को बेगूसराय में रखेंगे खाद कारखाना की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय में फिर से बनने वाले खाद कारखाना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बरौनी रिफाइनरी विस्तारीकरण के कुछ योजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा गढ़हारा यार्ड में बने अति आधुनिक लोकोशेड का भी उद्घाटन करेंगे। रिफाइनरी में BS4 ग्रेड के उत्पादन कार्य का शुभारंभ किए जाने की भी संभावना है। इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। मौके पर प्रधानमंत्री उलाव हवाई अड्डा परिसर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए उलाव हवाई अड्डा पर प्रशासनिक देखरेख में मंच निर्माण समेत अन्य व्यवस्था शुरू कर दी गई है। बता दें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में बरौनी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी तथा उसी समय यहां खाद कारखाना बना था, जिसमें बना मोती यूरिया पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन तत्कालीन सरकारों के सिस्टम की कमजोरी के कारण यह खाद कारखाना 1999 में बंद हो गया। इसके बाद कई आंदोलन हुए। डॉक्टर भोला सिंह ने मामले को कई बार उठाया तो 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने यहां आकर खाद कारखाना के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया था, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो सका। बाद में भोला बाबू लगातार इस मामले को उठाते रहे। 2014 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर गई तो उन्होंने इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की। इसके बाद 25 मई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे फिर से बनाने का फैसला लिया। 25 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय पुनर्गठन पैकेज के तहत फर्टिलाइजर का करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करते हुए पुनरुद्धार को मंजूरी दी गई। 1 अगस्त 2018 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 419.77 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की मंजूरी दी। बिहार सरकार द्वारा भी 220 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क माफ किया गया है। 5100 करोड़ की लागत से बनने वाला यह खाद कारखाना जनवरी 2021 तक तैयार कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद मई 2021 से यहां प्रत्येक दिन 3850,000 टन नीम कोटेड यूरिया, प्रत्येक वर्ष 12.70 लाख MT तथा 2000 टन अमोनिया का उत्पादन होगा। उस समय के हिंदुस्तान फर्टिलाइजर का नाम बदलकर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड हर्ल कर दिया गया है। मुख्य प्लांट का निर्माण टेक नीप करेगी तथा इसे बनाने का जिम्मा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, कोल इंडिया, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड HFCL एवं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने उठाया है। खाद कारखाना बनने से जहां करीब 2000 स्थानीय लोगों के अलावा 1000 अधिकारियों की नियुक्ति होगी, वहीं 10000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खाद कारखाना के निर्माण में पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसके कारण इसे गैस से चलाया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने का काम जोर शोर से चल रहा है तथा सितंबर तक गैस आपूर्ति शुरू हो जाने की संभावना है। कारखाना में खाद उत्पादन समेत सभी कार्य में भूगर्भीय जल का उपयोग नहीं कर गंगा से 1100 घन मीटर जल लाए जाने की योजना है। चिनार कंपनी द्वारा 42 करोड़ की लागत से डिसमेटलिंग तथा RN कंस्ट्रक्शन द्वारा जमीन समतलीकरण एवं स्क्रैप उठाने का कार्य विगत वर्ष ही पूरा किया जा चुका है। खाद कारखाना के साथ पुरानी टाउनशिप में ही आधुनिक टाउनशिप बसाने तथा अन्य निर्माण की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है, जिस पर करीब 1900 करोड़ रुपया खर्च होना है।